हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा। इसके बारे में जानने से पहले आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। द हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल दोज फिजिकल पार्ट्स इन कंप्यूटर विच आर टच्ड एंड सीन, ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जो पार्ट्स हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। जैसे हार्डवेयर को सब आगे डिवाइड किया गया है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस की टाइप हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच और सीन कर सकते हैं, ठीक है। पहला डिवाइस है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? टू फीड एनी इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, ठीक है। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को फीड करता है कंप्यूटर में, उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप कर कर कुछ इनपुट फीड करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, इसलिए इसे बोला गया इनपुट डिवाइस। माउस, माउस से भी हम इनपुट देते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये इनपुट देने के लिए काम आता है, इसलिए इसे बोला गया इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जैसे हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये कुछ एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की, ठीक है। ये हार्डवेयर ही है क्योंकि हम इन्हें देख टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के बारे में अभी बात करते हैं। टू एक्सट्रैक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे एलसीडी, एलसीडी से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसलिए इसे बोला गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसे हम टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर है, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर का क्या काम होता है? आउटपुट को एक कॉपी और पेपर के ऊपर ड्रा करना, ठीक है, इसलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमें हार्ड कॉपी बता देता है, ठीक है, आउटपुट में, ठीक है। प्रिंटर का सिंपल ये काम होता है आउटपुट जनरेट करना एक पेपर के ऊपर, ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये आउटपुट देता है हमें, आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? बेसिकली एक लार्ज प्रिंटर होता है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रा करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ है एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की। अभी बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। टू स्टोर डाटा टेम्पररी और परमानेंट। स्टोरेज डिवाइस बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, ये कुछ एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइस की। जो रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रोम बोलते हैं, इसमें जो डाटा है ये परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। और जो इसमें रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। बारे में सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, विच एक्चुअली प्रोसेस दी डाटा, ठीक है, फॉर जनरेटिंग आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर में आउटपुट को जनरेट करने के लिए एक मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये बहुत ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है और डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। डाटा को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है कंप्यूटर में, ठीक है। अभी ये थे सभी हार्डवेयर जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म एंड कंट्रोल दी ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन को परफॉर्म एंड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सॉलिड वर्क, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, हम
कुछ ड्रा करते हैं, कुछ ड्राइंग को ड्रा करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अगर हमने कुछ उसमें चेंजेस करने हैं उसे भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस एंड रूटीन्स, ठीक है। ये होता है सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम बात करते हैं डीपली, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। सॉफ्टवेयर में के बारे में मैंने आपको बता दिया। हम उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो कंट्रोल और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है ग्राफिक पैकेज और ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अभी पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है एनसिस। इसमें क्या होता है, हम एनालाइजिंग प्रोसेस करते हैं। ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एनसिस, इस सॉफ्टवेयर में हम एनालाइजिस करते हैं, हीट एनालाइजिस भी कर सकते हैं, फ्लूइड डायनेमिक एनालाइजिस भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एनालाइजिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो ग्राफिक पैकेज और ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, यूज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर बाय मैनिपुलेटिंग ग्राफिकल एंटिटीज। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में, ये मान लीजिए कंप्यूटर में जो कि ड्राइंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर कुछ डिजाइन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्राफिक पैकेज एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ डिजाइन प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, सॉलिड वर्क और भी होते हैं जैसे कैट या प्रोवी। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डिजाइन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल इनका यही काम होता है डिजाइन को प्रिपेयर करना, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है ग्राफिक पैकेज और ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे ऑटो कैड सॉलिड वर्क। इसमें एनालाइजिंग प्रोसेस जो होता है स्मॉल लेवल पर होता है, ठीक है। इनका सिंपल काम है डिजाइन को प्रिपेयर करना, ठीक है। और अगर हमने इस जो हमने डिजाइन प्रिपेयर किया है इसमें लार्ज लेवल पर एनालाइजिंग प्रोसेस करना होगा, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एनसिस यूज करेंगे। एनसिस का सिंपल काम होगा इस डिजाइन जो हमने प्रिपेयर किया है इसमें एनालाइजिंग प्रोसेस करना, इसमें हीट को एनालाइज करना, फ्लूइड डायनेमिक, अगर हम इसमें कुछ फ्लूइड डायनेमिक कंसेप्ट ला रहे हैं तो उसे एनालाइज करना। इसलिए इसे बोला गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए इसे बोला गया कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिक पैकेज, ठीक है। ये था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। थैंक यू।